हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के पार्ट 3 को, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है, जो कि सीजन 4 का 29वां एपिसोड है और ओवरऑल एओटी का 88वां एपिसोड है। दोस्तों, पार्ट 3 का एपिसोड पूरे 1 घंटे लंबा है, जिसे 2 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर 1 का नाम है रंबलिंग और चैप्टर 2 का नाम है सिनर्स। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन के पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, वरना आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ ही एओटी का अगला एपिसोड कब आएगा उसके बारे में भी हम आखिर में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के इस महा एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि एरन रंबलिंग शुरू करके लाखों कोलोसल टाइटंस के साथ पूरी दुनिया को कुचलने निकल पड़ा है। बाकी स्काउट्स एरन को रोकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें प्लेन चाहिए, जिससे वो एरन के फाउंडिंग टाइटन को ढूंढकर उस तक पहुंच सकें। इसके लिए वो कियोमी के साथ मार्ली की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां की एक सिटी में वो प्लेन को रिपेयर कर सकें। कहानी की शुरुआत एपिसोड 1 से होती है, जब एरन और मिकासा लकड़ी लेने जंगल में गए थे और एरन पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया था। सपने में एरन को मिकासा दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। तभी एरन की नींद खुल जाती है और छोटी मिकासा एरन से कहती है कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए। एरन मिकासा को बताता है कि उसने एक बहुत लंबा सपना देखा था, पर वो उसे भूल गया है कि वो किस बारे में था। फिर मिकासा एरन के चेहरे की तरफ देखती है तो एरन की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। मार्ली देश के अंदर हम रैमजी और हलील नाम के 2 बच्चों को देखते हैं। रैमजी वही बच्चा है जिसने पिछले सीजन में साशा का पर्स चुराने की कोशिश की थी और स्काउट्स ने उसे बचाया था। रैमजी हलील को एक सिक्कों से भरी पोटली दिखाता है, जो उन्होंने जंगल में छुपाई हुई थी। रैमजी का प्लान चोरी करके इस पोटली को पूरा भरना था, ताकि इन पैसों से वो और बाकी रिफ्यूजीज लोग किसी अच्छी जगह जाकर रह सकें, क्योंकि अभी ये लोग टेंट्स में रहते और सर्दियां आते ही इनमें से कई लोग मारे जाते हैं। वहीं हलील को रमजी की ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक हाथ खो चुका है। अगर वो फिर से पकड़ा गया तो उसका दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। रमजी हलील से कहता है कि अगर वो मर गया तो सारे पैसे उनके लोगों में वो बांट दे। तभी इन्हें लोगों के भागने की आवाज आती है और वो पोटली छुपा देते हैं, पर वो देखते हैं कि ये मार्लियंस थे जो शहर से दूर भाग रहे थे। अचानक ही धरती कांपना शुरू कर देती है और ये देखते हैं कि लाख वॉल टाइटंस की सेना इनके शहर की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब एरन मार्ली में था और अपने साथियों से अलग हो गया था। उसे पहले से ही पता था कि वो भविष्य में इन सब लोगों को मार देगा, यही उसकी नियति थी। शायद उन्हें पैराडाइज आइलैंड को बचाने का और कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ के घर, यहाँ के लोग, यहाँ के जानवर, लोगों की जिंदगी और उनके सपने। तभी एरन एक प्रेग्नेंट लेडी को जाते देखता है और उसे अपनी मदर की याद आ जाती है। वो सोचता है कि उसकी मदर इस बारे में क्या कहती। शायद सभी एल्डियंस के मर जाने में ही सबकी भलाई है, जैसा कि वॉल्स का राजा कार्ल फ्रिट्स चाहता था। एल्डियंस के मरने पर टाइटंस की समस्या ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब जानते हुए भी एरन ऐसा नहीं होने देगा। तभी वो अपने पास की गली में 3 लोगों को उसी बच्चे रामजी को मारते हुए देखता है। ये सीन एरन ने पहले ही अपनी मेमोरीज में देख रखा था, जिसमें वो इस बच्चे को बचाता है। वो गुंडे एरन से कहते हैं कि तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ और यहाँ से चले जाओ। एरन मुड़कर जाने लगता है, भले ही उसका मन उस बच्चे को बचाने का कर रहा था। वो जानता है कि भविष्य में वो काफी भयानक चीजें करने वाला है, तो अच्छा होने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। ये सब जानने के बावजूद एरन रैमजी को उन लोगों से बचा लेता है और सोचता है कि शायद भविष्य को बदला नहीं जा सकता। अब रैमजी एरन को थैंक यू बोलता है, लेकिन एरन उसके सामने बैठकर गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। रैमजी को कुछ समझ नहीं आता। एरन आगे बोलता है कि एल्डिया को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। वॉल्स के बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी मैंने सपने में देखी थी, और इस दुनिया को देखकर मैं काफी निराश हो गया हूँ। अब मैं सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। रैमजी के परिवार वाले उसे और हलील को अपने पास बुलाकर भागने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि अगर वो माउंटेन्स पर चढ़ गए तो शायद वो बच जाएंगे, लेकिन फिर तभी वो देखते हैं कि टाइटंस तो उस तरफ से भी आ रहे हैं। अब सभी लोग जान बचाते हुए वापस शहर में ही जाते हैं। टाइटंस अपने सामने आई हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। भागते भागते रैमजी की पोटली गिर जाती है और सारे पैसे बिखर जाते हैं।
हलील उन पैसों को उठाने वापस आता है और अब वॉल टाइटंस इनके बहुत करीब आ गए थे। दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन पर बिल्डिंग का मलबा आ गिरता है जिसमें रैमजी की टांग फंस जाती है और हलील की सिर फटने से वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद रैमजी भी एक टाइटन के कदमों के नीचे कुचला जाता है। मरने से पहले उसे फाउंडर यिमिर की छवि दिखाई देती है। वॉल टाइटंस आगे बढ़ते रहते हैं और पूरे शहर को उन्होंने एक मैदान की तरह साफ कर दिया था। टाइटंस लिबेरियो भी पहुंच जाते हैं जहां पर एरन की फाइट हुई थी। यहां की जेल में ग्रीशा के पेरेंट्स यानी एरन के दादा दादी बंद थे क्योंकि जीक ने मार्ली से गद्दारी कर ली थी। उन्हें समझ नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है पर उन्हें पता था कि उनकी अंतिम घड़ी आ गई है। धरती पर मानो प्रलय सा आ गया था। कोई भी इंसान या प्राणी सुरक्षित नहीं था। कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। कुछ लोग ऐसे समय भी चोरी कर रहे थे और वो कुचले जाते हैं। कई लोग जिंदा जल गए थे। चारों तरफ बस दहशत का माहौल था। टाइटन अपने पीछे राख और खून के अलावा कुछ नहीं छोड़ रहे थे। इन सब के बीच था एरन का विशालकाय फाउंडिंग टाइटन। एरन सोचता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरे सामने किसी तरह की वॉल है। आर्मिन उसे बताया करता था कि वॉल्स के बाहर कितनी सुंदर दुनिया है। मुझे लगता था कि वहाँ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा आजाद और खुशकिस्मत होंगे। आज वही दुनिया लाशों के ढेर से भर गई है। इसके बाद हमें ये फेमस मांगा पैनल देखने को मिलता है जिसमें छोटा एरन कहता है कि यही है आजादी। वो कहता है कि ये कितना सुंदर दृश्य है ना आर्मिन। और तभी हम आर्मिन और छोटे एरन को पाथ्स यानी टाइटन रेल्म के अंदर देखते हैं। इसके तुरंत बाद ही आर्मिन असली दुनिया में आ जाता है। वो एक शिप के ऊपर था जिससे ये लोग मार्ली जा रहे थे। एनी उसके सामने बैठी हुई थी और उसका हाल पूछ रही थी। आर्मिन कहता है कि वो अब ठीक है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। एनी आर्मिन को शुक्रिया कहती है क्योंकि जब वो क्रिस्टल के अंदर कैद हो गई थी तब सिर्फ आर्मिन ही था जो उससे रोज बातें किया करता था। वो और हिच उससे मिलने नहीं आते तो वो पागल ही हो जाती। एनी उससे पूछती है कि वो उससे बातें करने क्यों आता था जबकि टाउन में तो और भी लड़कियां होंगी। जिस पर आर्मिन शर्माते हुए कहता है कि वो तो बस एनी को देखने आया करता था। एनी शुरू में ऐसे दिखाती है जैसे उसे आर्मिन की बात समझ नहीं आई कि वो उसे पसंद करता है लेकिन आर्मिन भी एनी का चेहरा शर्म से लाल होते हुए देख लेता है। एनी बोलती है कि वो ये सब क्यों सोच रहे हैं जबकि इसी समय हजारों लाखों लोग मर रहे होंगे। एनी आगे कहती है कि आर्मिन एक अच्छा इंसान है इसीलिए वो उससे बात करने आता होगा जो कि अब भी बातचीत से मामला हल करना चाहता है। जबकि उसका दोस्त एरन पूरी दुनिया के जनसंहार पर निकला है। वो उठकर जाने लगती है तो आर्मिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने भी हजारों लोगों को मारा है और अब तो वो अपने ही लोगों की नजरों में गद्दार बन गया है। बचपन से ही वो और एरन बाहरी दुनिया में घूमना चाहते थे लेकिन अब एरन की तरह ही उसे भी ये दुनिया बहुत अलग लगी है। तभी एक बर्ड आर्मिन के पास आकर बैठ जाता है और आर्मिन उसे देखते हुए बोलता है कि उसे उम्मीद है कि वॉल्स के बाहर कुछ तो ऐसा होगा जिसके बारे में वो नहीं जानते होंगे। करीब आधी रात को इनकी शिप मार्ली के शहर ओडिया पहुंच जाती है। रंबलिंग से बचने के लिए यहाँ के लोग पहले ही शहर खाली करके भाग गए हैं। अब अजुमा बीतो के इंजीनियर्स जल्दी से प्लेन की सर्विस करने में लग जाते हैं ताकि वो उड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्लेन पर अभी भी येगारिस्ट के लगाए बॉम्ब्स बंधे हुए थे। आर्मिन कहता है कि ये बॉम्ब्स उनको आगे काम आ सकते हैं। इधर फॉल्को को होश आता है और उसे पता चलता है कि कमांडर मेगाथ और उसका पूरा परिवार भी अब तक मारे गए होंगे क्योंकि आधे से ज्यादा मार्ली रंबलिंग से तबाह हो चुका होगा। जो सुन फॉल्को चिल्लाने लगता है और पीक उसे शांत करने के लिए कुछ नहीं कह पाती। बाहर मिकासा एनी के पास आकर कहती है कि ये नए ओडियम गियर्स हैं, तुम्हें राइनर के साथ जाकर इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एनी मिकासा को बताती है कि वो उनके साथ एरन से लड़ने नहीं जाएगी। उसे इंसानियत को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर इन्होंने रंबलिंग रोक भी दी तो बाकी बचे देश एल्डियंस का खात्मा कर देंगे। उसे इन लोगों पे तरस आ रहा है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो अब लड़ना नहीं चाहती। वो अपना बाकी बचा समय किसी अपने के साथ शांति से बिताना चाहती है। मिकासा नोटिस करती है कि एनी आर्मिन को देख रही थी जिससे वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मिकासा पूछती है कि ये कब हुआ लेकिन एनी शर्म के मारे कुछ नहीं कहती। मिकासा बोलती है कि वो समझ सकती है लेकिन आर्मिन उस प्लेन में बैठकर एरन को रोकने जरूर जाएगा। एनी को ये बात पता थी और वो मिकासा से पूछती है कि क्या वो इंसानियत को बचाने के लिए एरन को मार पाएगी। मिकासा कहती है कि वो एरन को नहीं मारेगी, वो बस भटक गया है और वो उसे लेने जा रही है। दूसरी तरफ लिवाई भी उठ खड़ा होता है जबकि वो अभी भी काफी घायल है क्योंकि उन्हें येलेना से पूछताछ करनी थी। वो येलेना से पूछते हैं कि इस रंबलिंग में आखिर एरन कहां पर होगा।
येलेना उन्हें बताती है कि माउंटेन्स के बीच फोर्ट साल्टा नाम की एक जगह है जो कि एयरशिप्स का रिसर्च बेस है। एरन का अगला टारगेट यही जगह होगी। एयरशिप्स का कोई भी खतरा एरन सबसे पहले खत्म करना चाहेगा। हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जब एरन येलेना और फ्लॉच के साथ रंबलिंग का प्लान बना रहा था। येलेना चाहती थी कि एरन रंबलिंग से ग्लोबल अलायंस के मिलिट्री बेस को तबाह कर दे। इससे अगले दशकों तक कोई भी पैराडिस आइलैंड की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और दूसरा टारगेट उसने फोर्ट साल्टा बताया था। येलेना सबसे कहती है कि जीक भले ही एरन से हार गया हो लेकिन उसका यूथनाइजेशन वाला प्लान ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन था और इस तबाही को देखकर आप भी ये समझ गए होंगे। हांजी भी इस बात से एग्री करती है क्योंकि वो एरन को और कोई ऑप्शन नहीं दे पाई थी जिससे उनका आइलैंड सुरक्षित रहे। इधर पीक कियोमी से कहती है कि वो दोनों बच्चों फॉल्को और गाबी को अपने साथ शिप पर ले जाए। वो उन्हें लड़ाई में नहीं ले जा सकते और उसने उन दोनों को एक कमरे में बंद भी कर दिया है ताकि वो भाग ना सके। कुछ देर में सुबह हो जाती है और प्लेन बस उड़ने के लिए रेडी हो ही गया था। सभी स्काउट्स अपने ओडियम गियर्स पहन लेते हैं। लिवाई जो कि अपनी दो उंगलियां खो चुका है उसे हैंडल पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। इधर पीक और राइनर एनी को अलविदा कहते हैं। राइनर बोलता है कि वो हमेशा से उससे और बेर्थोल्ट से माफी मांगना चाहता था। अगर उस दिन ये तीनों वापस मार्ली लौट गए होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनी बोलती है कि उसने ना जाने कितनी बार राइनर को मारने का सोचा है। फिर वो मुस्कुराने लगती है। राइनर उसे कहता है कि वो गाबी और फॉल्को का ख्याल रखे जिस पर एनी हाँ बोलती है। इसके बाद बाकी स्काउट्स भी एनी को गुड बाय करने लगते हैं और वो शिप पर चढ़ जाती है। पीक हांजी से कहती है कि वो और राइनर उनके साथ ही चलेंगे क्योंकि ये कैप्टन मेगाथ की इच्छा थी कि वो लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को खत्म करें। ये सुन हांजी खुश हो जाती है और वो कहती है कि वो किसी दिन पीक के कार्ट टाइटन की घुड़सवारी करना चाहेगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन पीक उसे साफ मना कर देती है। लिवाई हांजी से कहता है कि टाइटन्स के बारे में सुनकर वो अब भी पागल हो जाती है। फिर हांजी बोलती है कि लिवाई तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमें देख रहे होंगे, हमारे शहीद सिपाही? जिस पर लिवाई कहता है कि एरविन की तरह बातें करना बंद करो। अब तक प्लेन पूरी तरह से रेडी हो गया था और उसमें सिर्फ फ्यूल ही बाकी था। तभी उनके वेयर हाउस में कोई आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि फ्लॉच था जो कि पैराडिस से यहाँ तक शिप से लटकते हुए आया था। फ्लॉच इस प्लेन और बाकी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। मिकासा उसे देख लेती है और तुरंत अपने ओडियम गियर्स का हुक उसके गले में मार देती है जिससे फ्लॉच नीचे गिर जाता है। इन्हें यकीन नहीं होता कि फ्लॉच अभी तक जिंदा बचा था। इधर ओन्याकापॉन चिल्लाता है कि गोलियों की वजह से फ्यूल टैंक में छेद हो गया है, हम वेल्डिंग से इसे सील कर सकते हैं लेकिन इस काम में एक घंटा और लगेगा। फिर अचानक ही यहाँ की जमीन हिलने लगती है। राइनर बाहर जाकर देखता है कि रंबलिंग इस शहर तक भी आ गई है और अगर ये जल्दी यहाँ से नहीं गए तो कुचल कर मारे जाएंगे। इधर फ्लॉच मरते मरते भी यही कहता है, ऐसा मत करो, हमारा डेविल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और फाइनली फ्लॉच की मौत हो जाती है। बाहर रंबलिंग इनके करीब आती जा रही थी। आर्मिन कहता है कि वो खुद इन टाइटन्स को रोकने की कोशिश करेगा ताकि बाकी लोग प्लेन और शिप में बैठकर भाग सकें। राइनर बोलता है कि एरन के खिलाफ तुम ही हमारे हुकुम के इक्के हो तो इस टाइटन को रोकने मैं जाऊंगा। तभी हांजी बोलती है कि टाइटन की शक्ति वाले को हम ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, मैं तुम सबको यहाँ तक लाई हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ना जाने कितने दोस्तों और साथियों को मारा है, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हांजी फिर आर्मिन के पास आकर बोलती है कि मैं तुम्हें स्काउट्स रेजिमेंट का अगला कमांडर नियुक्त करती हूँ। फिर वो मजाक में बोलती है कि लिवाई अब तुम्हारा जूनियर है तो उससे जम के काम करवाना। हांजी फिर लिवाई के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई और वो काफी शानदार तरीके से मरना चाहती है। लिवाई उसकी बात समझता है और कहता है कि अपना दिल समर्पित कर दो। हांजी ये सुनकर खुश हो जाती है कि ये लाइन लिवाई ने पहले कभी नहीं बोली थी। हांजी फिर ओडियम गियर का यूज कर टाइटन्स की सेना के पास जाती है और बोलती है कि टाइटन्स कितने अद्भुत होते हैं। इसके बाद वो एक टाइटन की गर्दन में थंडर स्पीयर ब्लास्ट करती है जिससे वो टाइटन नीचे गिर जाता है और उसके पीछे दो चार टाइटन्स और गिर जाते हैं। और दोस्तों हांजी के इस सीन में जो एनिमेशन है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खैर हांजी टाइटन्स से अकेले ही लड़ती रहती है ताकि बाकी लोगों को समय मिल जाए। वो अपना दूसरा थंडर स्पीयर ब्लास्ट करके एक और टाइटन को गिरा देती है। इधर इंजीनियर्स फ्यूल टैंक को सील कर देते हैं और उसमें फ्यूल भरने लगते हैं। अब हांजी के पास सिर्फ अपनी तलवारें ही बचती हैं।
जिनसे वो कुछ और टाइटंस को मार गिराती है। लेकिन हजारों टाइटंस के सामने वो अकेली क्या ही कर लेगी, क्योंकि टाइटंस काफी करीब आ गए थे और ये लोग आधा फ्यूल भर के ही प्लेन को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाते हैं। इधर टाइटंस से निकल रही हीट की वजह से हांजी के कपड़ों में आग लग जाती है। हांजी फिर भी लड़ना जारी रखती है और देखते ही देखते हांजी का पूरा शरीर आग की लपटों से घिर जाता है। अब तक सभी लोग शिप और प्लेन में बैठकर किनारे से काफी दूर हो गए थे। वो वहीं से हांजी की जलती हुई लाश को नीचे गिरते देखते हैं और बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद हांजी को होश आता है, जैसे कि वो बिल्कुल ठीक हो। उसे तभी एरविन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि हांजी, तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। हांजी देखती है कि एरविन के साथ वो सभी स्काउट्स खड़े थे जिनकी मौत हो चुकी है। असल में ये उन सब की आत्माएं थीं और वो आफ्टर लाइफ में हांजी का स्वागत करते हैं। मॉबलेट, जो कि हांजी को बचाने में मारा गया था, वो उसे हाथ देकर उठाता है। हांजी फिर मजाक में सबसे कहती है कि कमांडर बनने के बाद तो उसे बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। प्लेन में सब लोग हांजी की मौत से दुखी थे। आर्मिन नोटिस करता है कि वो लोग प्लेन में सिर्फ आधा फ्यूल ही भर पाए थे, जिस पर ओन्याकापोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन लोगों को फोर्ट सेल्टा तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि वो लोग फिर रंबलिंग को रोक सकें। इसके बाद आर्मिन अपने दोस्तों के पास जाता है आगे का प्लान बनाने के लिए। आर्मिन चौक से फाउंडिंग टाइटन की एक ड्राइंग बनाता है। लिवाई बोलता है कि वो हड्डियों का एक विशाल ढांचा है जो कीड़े की तरह चलता है। अब वैसे तो एरन को फाउंडिंग टाइटन की गर्दन में ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके पास वॉरहैमर टाइटन की पावर्स भी है, तो उन्हें पक्का पता नहीं है कि इतने बड़े टाइटन में एरन कहाँ होगा। वैसे अगर आर्मिन उसके पास जाकर अपने कोलोसल टाइटन में परमाणु धमाका कर दे तो काम बन सकता है, जैसे उसने लिबेरियो के पोर्ट पर किया था। आर्मिन कहता है कि जब उनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा तब वो यही रास्ता अपनाएगा। फिर लिवाई कहता है कि रंबलिंग तो एरन जीक की वजह से कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड है, तो अगर पहले वो जीक को मार दे तो रंबलिंग रुक सकती है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें जीक को इतने बड़े टाइटन में खोजना पड़ेगा। फिर लिवाई कहता है कि वो जीक को मार देगा, पर उसे मदद चाहिए होगी। जीन बोलता है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अपने कई दोस्तों का खून बहाया है। इसके बाद स्काउट्स और वॉरियर्स आपस में कई बातें शेयर करते हैं कि राइनर बेर्थोल्ट और एनी को उस समय कैसा लगा होगा। भले ही वो अपने पापों के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाए, लेकिन अब उन्हें अपना काम करते हुए दुनिया को बचाना होगा। तभी राइनर के दिमाग में एरन को लेकर एक बात याद आती है। वो कहता है कि शायद एरन चाहता है कि हम उसे रोकें। आर्मिन कहता है कि एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर से सभी एल्डियंस और उनकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, इसके बावजूद वो लोग अपनी पावर्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यानी कि एरन जानबूझकर उन्हें खुली छूट दे रहा है। राइनर को लगता है कि शायद एरन भी अपने पापों के बोझ के नीचे दबा महसूस कर रहा होगा, शायद वो चाहता है कि हम उसे खत्म कर दें। फिर अचानक कुछ होता है और ये सभी लोग पाथ्स यानी टाइटन रेल्म में पहुंच जाते हैं। आर्मिन चिल्लाते हुए एरन से कहता है कि वो रंबलिंग रोक दे, वो बातचीत करके मामला हल कर सकते हैं, लेकिन एरन का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद जीन, कॉनी और मिकासा भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जो पाप उसने किए उसके भागीदार ये लोग भी हैं, पर अब उसे रुक जाना चाहिए। फिर लिवाई कहता है कि तुमने सुना ना एरन, बात मान लो, मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर सिर्फ एक लात मार कर रुक जाऊंगा। फिर अचानक ही सबको एरन की आवाज सुनाई देती है, मैं रंबलिंग को रोक कर पैराडिस का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। फिर लिवाई देखता है कि एरन कोऑर्डिनेट के पास खड़ा है, जहां पर सभी के पास आकर कनेक्ट होते हैं। आर्मिन, मिकासा, कॉनी और जीन एरन की तरफ भागने लगते हैं। वो एरन ही था, लेकिन अपने बच्चे वाले रूप में। पर ये चारों भागते भागते वापस से लिवाई, राइनर और पीक के पास ही आ जाते हैं। एरन आगे कहता है कि आजादी हासिल करने के लिए मैं इस दुनिया से उसकी आजादी छीन लूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छीनूंगा, तुम सब आजाद हो। ये लोग देखते हैं कि एरन के साथ अब यीमिर भी वहां पर खड़ी है। एरन कहता है कि मैं आगे बढ़ता रहने के लिए आजाद हूँ, और तुम लोग इस दुनिया को बचाने के लिए हमारा टकराना तय है। एरन ने इन्हें पाथ्स में इसीलिए बुलाया है कि बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो एरन को रोकना चाहते हैं तो उन्हें उसे मारना होगा, और उन्हें इसकी खुली छूट है। इसके बाद ये सभी वापस प्लेन के अंदर आ जाते हैं और लिवाई आर्मिन से पूछता है कि अब क्या प्लान है कमांडर। दूसरी तरफ समंदर में हम कियोमी की शिप को देखते हैं। कियोमी को डर था,
कि अब तक उसका देश भी रंबलिंग से तबाह हो गया होगा। उसने अपने लालच के लिए एरन और जीक को मिलवाया था, जिससे उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। कियोमी की बातें सुनकर एनी को भी एहसास होता है कि उसे भी लड़ने जाना चाहिए था, पर अब काफी देर हो चुकी है। तभी गाबी और फॉल्को इनके पास भागते हुए आते हैं। फॉल्को कहता है कि उसने अभी एक सपना देखा था, जो कि शायद एक मेमोरी थी, वो भी जीक की। जबकि फॉल्को के पास तो जॉ टाइटन है। उन्हें लगता है कि क्योंकि फॉल्को जीक के स्पाइनल फ्लूट से टाइटन बना था, तो उसके अंदर भी बीस्ट टाइटन की कुछ पावर्स और मेमोरीज आ गई हैं। दोस्तों, इसीलिए फॉल्को का जॉ टाइटन एक बर्ड की तरह है। खैर, फॉल्को बताता है कि मेमोरी में उसने खुद को बादलों के बीच उड़ते हुए देखा था, और उसे लगता है कि टाइटन बनकर शायद वो उड़ सकता है। दोस्तों, हमें यहाँ एक और चीज भी पता चलती है कि फीमेल टाइटन दूसरे टाइटन्स की एबिलिटीज को मैनिफेस्ट कर सकती है, जैसे कि आर्मर टाइटन की तरह हार्ड होना, या फाउंडर की तरह अपने पास के टाइटन्स को कंट्रोल करना, और ये चीज आगे बहुत काम आएगी। इसके बाद हम मार्ली के फोर्ट सेल्टा को देखते हैं, जिसकी तरफ एक ट्रेन चली जा रही थी। ये ट्रेन लिबेरियो में रहने वाले सभी एल्डियंस ने हाईजैक कर ली थी, और वो फोर्ट सेल्टा इसीलिए जा रहे थे ताकि वहाँ से कोई एयरशिप चुरा कर रंबलिंग से बच सके। एनी के फादर ने ड्राइवर के सिर पर बंदूक तानी हुई थी। ट्रेन के अंदर हम बाकी सभी वॉरियर्स के पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे राइनर, पीक, फॉल्को और गाबी के पेरेंट्स भी यहीं थे। तभी एक आदमी देखता है कि फोर्ट सेल्टा से ढेर सारी एयरशिप्स उड़ चुकी हैं। एनी का फादर ट्रेन को और तेज चलाने को बोलता है। शायद कोई एक शिप अभी भी वहाँ बची होगी। बाकी लोग दूर से आते हुए धुएं के बादल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि रंबलिंग उन तक भी आ गई है, और उनके बीच एरन का फाउंडिंग टाइटन भी चला आ रहा था। ट्रेन रुकते ही सब लोग नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ अब एक भी एयरशिप बाकी नहीं है। ट्रेन ड्राइवर नोटिस करता है कि एयरशिप्स रंबलिंग की ओर ही जा रही थी, यानी वो लोग डर के नहीं बल्कि रंबलिंग के ऊपर बमबारी करने जा रहे थे। कमांड रूम में हम फोर्ट कमांडर मुलर को देखते हैं। वो अनाउंस करता है कि ये फोर्ट इंसानियत का अंतिम गढ़ है, और इसके जिम्मेदार हमारे सोल्जर्स नहीं बल्कि समाज के लोग हैं, जिन्हें लगा कि नफरत और घृणा करने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। हमारे ऊपर जो भी समस्या आई, हमने उसका जिम्मेदार पैराडाइज आइलैंड को ठहरा दिया। इसी नफरत की भट्टी से एक राक्षस का जन्म हुआ, जो उस नफरत को लिए अब हमारी ओर ही चला आ रहा है। अगर किसी चमत्कार से हम जिंदा बच गए तो मैं कसम खाता हूँ कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ये सब सुनकर राइनर की मदर को एहसास होता है कि कैसे उसने कभी अपने बच्चों को माँ का प्यार नहीं दिया। वो उसे सिर्फ वॉरियर बनाना चाहती थी ताकि वो पैराडाइज के डेविल्स को मार दे। इधर सभी एयरशिप्स एरन के ऊपर पहुँच कर बमबारी के लिए तैयार हो जाती है। एरन उन्हें देख कर कुछ करता है, और उसके ऊपर एक बिजली की बॉल चमकने लगती है, मानो वहाँ पर कोई टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। ये देखकर कमांडर तुरंत बमबारी के ऑर्डर्स दे देता है। सभी एयरशिप्स में से बॉक्सेस नीचे गिरने लगते हैं, जिससे कुछ वॉल टाइटन्स मारे जाते हैं। लेकिन क्योंकि एयरशिप्स बहुत ऊपर थी, तो एरन के फाउंडिंग टाइटन को ज्यादा नुकसान नहीं होता। एयरशिप से फिर भी बमबारी जारी रखी जाती है, और वहां हो रहे धमाकों से धरती दहकने लगती है। बाकी सब लोग फोर्ट में से ये सब देख रहे थे। फिर अचानक ही हम फाउंडिंग टाइटन की पीठ पर बीस्ट टाइटन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, लेकिन वो एरन के टाइटन से जुड़ा हुआ था, मानो एरन उसे कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा था। बीस्ट टाइटन फिर अपने हाथ में कुछ क्रिस्टल्स प्रकट करके उन्हें एयरशिप्स की ओर फेंकने लगता है, और ये क्रिस्टल्स वो वॉरहैमर की पावर से बना पा रहा था। खैर, बीस्ट टाइटन बार बार एयरशिप्स पर अटैक करता है, जिससे की सारी एयरशिप्स तबाह होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। कमांडर यहाँ के बच्चों से माफी मांगता है कि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। बच्चे अपनी मदर से कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, वो टाइटन्स इसी तरफ आ रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़की आसमान की तरफ इशारा करती है। स्काउट्स अपने प्लेन में यहाँ तक पहुँच गए थे। ओनेकापोन सबसे कहता है कि उन्हें अभी प्लेन से कूदना होगा, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया है। सभी के कूदने के बाद वो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर लेगा। इन्हें एरन के ऊपर बीस्ट टाइटन भी दिख जाता है, जो कि किसी कारण से पूरी तरह सफेद था। हो सकता है कि ये असली बीस्ट टाइटन हो ही ना। खैर, आर्मिन कहता है कि प्लेन को उसी की तरफ ले चलो, उसे मारकर हम रंबलिंग रोक देंगे। बीस्ट टाइटन इन पर पत्थर फेंक कर हमला करता है, लेकिन ओनेकापोन किसी तरह प्लेन को सही सलामत बचा लेता है, और फिर सभी स्काउट्स प्लेन से कूदकर एरन के फाउंडिंग टाइटन के ऊपर आ जाते हैं। वो बीस्ट टाइटन के अटैक से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। राइनर उसके पास पहुंचते ही आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है,
और बीस्ट टाइटन को धक्का देकर फाउंडिंग से अलग कर लेता है। इसके बाद पीक भी कार्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पास वो डायनामाइट्स भी थे जो उन्हें प्लेन में मिले थे। फिर ओनिया का पॉन प्लेन को लैंड कराने लगता है। फोर्ट के सोल्जर्स दूरबीन से देखते हैं कि पैराडाइज आइलैंड के लोग रंबलिंग को रोकने आए हैं। बाकी लोग भी आर्मर टाइटन और कार्ड टाइटन को देखकर खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। इधर सभी लोग फाउंडिंग टाइटन के ऊपर आ गए थे और आर्मिन कहता है कि एक बार वो एरन को टाइटन बॉडी से बाहर निकाल ले, तब उससे पूछना है कि आखिर एरन किस तरह आजाद है। और दोस्तों ये महा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्या अब ये लोग एरन को मार पाएंगे? क्या इन्हें जीक मिलेगा? क्या वो सच में बीस्ट टाइटन था या उसका रेप्लिका? और एरन ऐसे कितने रेप्लिकास बना सकता है? क्या एरन को अपनी आजादी मिलेगी? क्या एनी और फॉल को लड़ाई को ज्वाइन करेंगे? ये सब तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस एपिसोड के साथ मांगा का चैप्टर 134 कवर हो चुका है और अब सिर्फ 5 चैप्टर्स ही बाकी रह गए हैं, जो कि एक और 1 घंटे लंबे एपिसोड में आराम से कवर हो जाने चाहिए। अब रही बात की अटैक ऑन टाइटन का अगला यानी कि आखिरी एपिसोड कब आएगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा इसी साल के आखिर में यानी नवंबर या दिसंबर में। मेरे हिसाब से तो ये अब तक के सबसे अच्छे एपिसोड्स में से एक था। हांजी के डेथ सीन ने मुझे रुला ही दिया था और रंबलिंग जैसे भयानक दृश्य हम कभी भुला नहीं पाएंगे। एनिमेशन के मामले में मापा ने इस एपिसोड में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपको इस एपिसोड में कौन सी बातें अच्छी या बुरी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी कि आखिरी एपिसोड में हमें नई एंडिंग देखने को मिलेगी या नहीं। वैसे मुझे अब एंडिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि ये एनिमे अच्छी तरह से एंड हो जाए। आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।